प्रदेश सरकार ने बिजली के बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी करके जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ तो डाल दिए, लेकिन विभाग की कार्यकुशलता शून्य है। कर्मचारियों का टोटा बरसों से बना हुआ है, जरा सी हवा चलने पर बिजली गायब हो जाती है। अचानक बिजली का लोड बढ़ने से सैकड़ों उपभोक्ताओं के बिजली उपकरण आए दिन सड़ रहे हैं। बिजली के कनेक्शन लगवाने वाले जो प्रार्थी हैं, बिजली के पोल बदलने के निवेदन, नए मीटर लगवाने के आवेदन आदि सैकड़ों समस्याओं का अंबार बिजली विभाग के कार्यालयों में लगा हुआ है, लेकिन इनका समाधान करने की जगह सरकार ने बिजली के रेट बढ़ाकर जनता को लूटने का कार्य ही किया है और जन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में समस्याओं का अंबार है, बरसों से रिक्त पड़े पदों को भरने की जगह सरकार सिर्फ पैसा कमाने में व्यस्त है, कर्मचारी परेशान है, कार्य का बोझ इस कदर बढ़ चुका है कि जनता को भी महीनों के इंतजार के बाद समस्याओं का निराकरण संभव हो पा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विभाग की कार्यकुशलता शून्य पर पहुंच गई है। दूसरी ओर जनता से बढ़े हुए बिजली के रेट से करोड़ों की आमदन हो रही है, लेकिन बिजली बोर्ड फिर से घाटे का रोना रो रहा है। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।